ग्रुप बाय स्टेटमेंट हम आइडेंटिकल डेटा को ग्रुप करने के लिए यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस लाइक मिन, मैक्स, एवरेज, सम एक्सेट्रा। तो उसका हम स्टार्ट कैसे करते हैं? नॉर्मल सिलेक्ट से, स्टेटमेंट से सिलेक्ट, देन हम फील्ड नेम देते हैं कि जो हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कंट्री, मैं इसी के थ्रू उस पर ग्रुप बाय करना चाहूँगा फ्यूचर में। तो सिलेक्ट कंट्री कॉमा काउंट, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं कंट्री लिख दूंगा अगेन जो मेरा फील्ड का हेडर है। फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे मेरे कस्टमर्स नाम से टेबल है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा फंक्शन ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। उसके बाद कंट्री के उसके बेस पे मैं चाहता हूँ तो मैं साथ में ग्रुप बाय में डाल दूंगा कंट्री अगेन, देन सेमी कॉलन एंड के लिए इसको रन करूँ। तो देखो अब मेरे को हर एक कंट्री का, सबसे पहले तो ये कंट्री आपको यूनिक एक लेके दे रहे हैं, सेकेंड चीज जो ये आपको दे रहे हैं उन सबको काउंट दे रहे हैं कि अर्जेंटीना की वहाँ पे आपके पास 3 रोज आ रही है, ऑस्ट्रिया के पास आपके पास 2 रोज हैं अगेन, देन बेल्जियम की 2 है, ब्राजील की 9 है, सो ऑन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं ग्रुप बाय में सम का। तो ग्रुप बाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्टिंग में सिलेक्ट सप्लायर आईडी, कि हर सप्लायर आईडी के मेरे को मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना कितना वहाँ पे सप्लायर में से प्राइस ले रहे हैं। तो मैं कर देता हूँ सिलेक्ट सप्लायर आईडी कॉमा सम, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर आईडी का इसलिए हम नहीं कर रहे सम क्योंकि मेरे को उसका सम नहीं चाहिए, उसके बेस में मैं चेक करना चाहता हूँ उससे कितना प्राइस है। फ्रॉम टेबल नेम अगे, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स नाम से टेबल है। उसके बाद हम यूज करेंगे ग्रुप बाय, उसके अंदर मैं लिख दूंगा सप्लायर आईडी जिसके बेस पे मैं को इसे ग्रुप करना चाहता हूँ। ये सॉर्ट ऑफ आपके लिए कह सकते हो प्राइवेट की तरह ही वर्क करता है। अब इसको रन करते हैं तो ये देखो हर सप्लायर आईडी का मेरे को सम बता रहे हैं कि सप्लायर 1 में से 47 रुपीज ले रहे हैं, सप्लायर 2 में से 81 रुपीज ले रहे हैं 81.40, फिर सप्लायर 3 में से 95 ले रहे हैं, सप्लायर 4 में से 138 ले रहे हैं। और ये आपको डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यूज भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोन उसके अंदर 6 देखता हूँ सप्लायर आईडी, तो मैं बस दिखा रहा 44.75। और यही लेकिन अगर मेरे को सम की जगह एवरेज करना हो तो बस सेम मेरा सिंटेक्स सेम रहता है, बस सम की जगह मैं एवीजी लिख देता हूँ।